हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक्स विद सावन कुमार। और आज हम बात करेंगे गीता में लिखे गए एक ऐसे वो लाइन के बारे में जो हम सबको पता है, वी नो अबाउट इट, बट समहाउ हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। जैसा करोगे वैसा भरोगे। द लॉ ऑफ कर्मा सेज व्हाटएवर यू डू इज व्हाट यू गेट, व्हाटएवर यू गिव इज व्हाट यू गेट। बाइबल सेज एज यू सो यू रीप। योर कंप्यूटर सेज दैट, आपका कंप्यूटर भी कहता है वॉट एवर यू विल पुट इन, वॉट एवर द इनपुट इज द आउटपुट वुड बी अकॉर्डिंग टू इट। योर बैंक, एवरी डे यू गो टू द बैंक, यू डिपॉजिट मनी एंड वॉट डू यू टेक आउट, मनी। सो ओनली वेन यू गिव मनी, वॉट एवर यू डिपॉजिट इज वॉट यू गेट आउट ऑफ इट। यू नेवर, आपको कभी भी कुछ और नहीं मिलेगा। वॉट एवर यू पुट इन is what you get out is the law of nature। ये एक बहुत ही natural और nature का एक ऐसा law है जिसको किसी भी तरह से we cannot change। The way you give is how you get। आपको किसी के साथ झगड़ा करना है, आप किसी के साथ अच्छे से बात करोगे, he will respond to you nicely। आप किसी के साथ रूडली बात करोगे, ही विल रिस्पॉन्ड टू यू रूडली। इट इज ऑल अबाउट आप कैसा देते हो वैसा ही आपको मिलता है। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट अदर्स, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ। आप खुद को क्या देते हो? अगर आप खुद को अच्छा फूड देते हो अपने बॉडी को, योर बॉडी टर्न्स आउट टू बी हेल्दी। अगर आप इसे अनहेल्दी फूड देते हो तो अनहेल्दी बॉडी बनता है। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ बनाते हो तो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ मिलती है। अगर आप एक अनडिसिप्लिन लाइफ बनाते हो तो आपको एक अनसक्सेसफुल लाइफ मिलती है। वॉट यू गिव इन इज एग्जैक्टली वॉट यू गेट आउट। सो एज अ स्टूडेंट, एज अ करियर पर्सन, वॉट डू यू थिंक, वॉट शुड यू बी डूइंग अबाउट वॉट यू गिव इज वॉट यू गेट। क्या इनपुट्स होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में और क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट करते हो अपनी ज़िंदगी में? हम सभी को चाहिए एक हेल्दी बॉडी, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी, बहुत सारे पैसे और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का की ताकत। ये सब कुछ हमें चाहिए, बट इन सभी चीज़ों के लिए हमें जो करना होगा पहले, क्या हम वो करने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो हर वो चीज़ देने को तैयार हैं जो हमें कल चाहिए? अगर हाँ तैयार हैं और अगर दे रहे हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलेगी। बट अगर आपको सिर्फ चाहिए बट देना कुछ भी नहीं है, देन फॉरगेट अबाउट गेटिंग एनीथिंग। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू गिव वॉट एवर इट टेक्स टू गेट वॉट यू वॉन्ट, देन यू विल नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, एज सिंपल एज दैट। अगर आप नहीं देते हो जो आपको जो कर जरूरत है, अगर क्लास में टॉप करना है, एग्जाम में पास करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देर इज़ नो अदर वे आउट टू इट। आप अगर नहीं पढ़ाई करना चूज करते हो तो देन यू आर चूजिंग टू फेल इन योर एग्जाम। That's what we do। अगर हम एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे होते, दैट मीन्स कि वी आर चूजिंग या फिर वी आर ओके विथ नॉट पासिंग इन दैट एग्जाम। दैट्स वॉट वी डू। इफ वी ईट हेल्दी, वी आर चूजिंग टू स्टे हेल्दी टुमारो, टू नॉट फॉल सिक टुमारो। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द राइट चॉइसेस टुडे। बिकॉज आप आज जो भी कर रहे हो, जो भी चॉइसेस बन ले रहे हो, जो भी चीज़ चूज कर रहे हो खुद के लिए, बेस्ड ऑन दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गेट टुमारो। अपने दिमाग में आप जो भी चीज़ डाल रहे हो, वेदर यू आर पुटिंग इन सम रबिश थिंग्स, ऑल सच नेगेटिव थाट्स, यू विल बी गेटिंग नेगेटिव थिंग्स। बट इफ़ यू पुट इन पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थाट्स, यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड यू विल reflect positivity all way around। So make sure that you are always giving in the right thing to get the right output। There is no deviation to it, you cannot change this law and you have to follow this। So make sure your input is good if you want the output to be good। Your output will be exactly whatever your input is। Wish you all the very best, have a good day।